तो गाइस कैसे हो, वेलकम बैक। सो आज हम बड़े दिनों बाद मैं आया हूँ माइनक्राफ्ट की एक सर्वाइवल सीरीज लेके। एंड या मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ सर्वाइवल की, जो कि मैं कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मैंने अपने चैनल पर जो भी सीरीज स्टार्ट की थी वो आज तक इसका सेकेंड एपिसोड कभी आया भी नहीं। कोई नहीं, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आपको भी एक कोशिश करनी है, वो है उस अंगूठे को एंड इस सफेद कलर के बटन को जल्दी से दबा दो। ओके, स्पॉन होते हम लोगों को अपने नॉर्मल से टूल्स बना लेने हैं और लाइट जल्दी जल्दी तोड़ो। बट वेट, मैं थोड़ी ना स्पीड रन कर रहा हूँ। ओके, नॉर्मल टूल्स डन। वैसे नॉर्मल टूल्स के नाम पर मेरे पास ओनली स्टोन की पिकैक्स है, सो मेरे को अपने टूल्स बना लेने स्टोन के। ये रही स्टोन की स्वॉर्ड एंड ये रही स्टोन की पिकैक्स एंड या ये रही स्टोन की एक्स। वैसे गाइस स्पॉन तो बहुत ही तगड़ा ही है वैसे प्लेन बायोम सी, बिकॉज मेरे को अपना फर्स्ट एपिसोड में घर ही बनाना है या फिर यहीं पर मैं बना सकता हूँ। एंड मैं कोई आयरन का आर्मर वगैरह नहीं बना सकता बिकॉज मेरे एग्जाम्स भी हैं, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता इसको। सो या अभी ना मैं थोड़े से वूल कलेक्ट कर लेता हूँ रात को बेड बनाने के लिए। अभी हम लोग अपना मुलायम सा बेड बना सकते हैं रात को सोने के लिए। अभी तो मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी सिर्फ ना मेरे को बहुत सारी वूड इकट्ठा करनी है बिकॉज मेरे को अपना घर भी बनाना है। ऑल राइट, सो अभी मेरे को बहुत सारी वूड चाहिए एंड क्या रात होने वाली है। सो गुड नाइट एंड साथ ही गुड मॉर्निंग। एंड वैसे माइनक्राफ्ट की रात कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है ना। हर्ष भाई, मैं इतनी माइनिंग कर रहा था बिकॉज मैंने सोचा कोई कोल वगैरह मिल जाएगा खाना वगैरह पकाने के लिए, बट कोल के नाम पर मेरे को ओनली कॉबल स्टोन ही मिला है। सो एंड मेरी पिकैक्स भी टूट गई अबे यार। सो वैसे कोई नहीं, मेरे पास ना बहुत सारा कॉबल स्टोन आ चुका है, सो उसका यूज मैं घर बनाने में कर सकता हूँ। एंड वेट, क्या दिन आ गए, मेरे को एक्स से तोड़ना पड़ रहा है वो भी फर्निस। ओके गाइस, सो अभी ना मैं जल्दी से बहुत सारी वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड मेरे को पता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है बिकॉज भाई यार वुड इकट्ठा करनी है वो भी इस स्टोन के एक्स से। एंड या अभी मैं आपसे क्या ही बातें करूँगा वुड इकट्ठा करते करते। गुड नाइट इंडिया, गुड मॉर्निंग। सो गाइस देखो, अभी ना मैंने मेरे पास इनफ फूड भी आ चुकी है एंड कम पड़ भी जाएगी तो मैं और भी माइन एंड कलेक्ट कर लूँगा। बट अभी मेरे को एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं अपना घर बना सकूँ एंड वो थोड़ी हाइट पर हो। मेरे को ना अपना घर थोड़ा हाइट पर बनाना है। सो अभी मैं एक बोट को क्राफ्ट करता हूँ बिकॉज बोट से मैं जाऊँगा थोड़ा दूर एंड वहाँ पर देखूँगा कि मेरे को कोई ढंग की जगह मिलती है फिर नहीं। ऑल राइट, बोट रेडी एंड लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पर मेरे को एक सैंड वाली जगह मिली है, कुछ सैंड साइड। मेरे को लग रहा है कि कहीं इसके आसपास मेरे को कोई जगह मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बोट को कलेक्ट कर लेता हूँ। अबे टूट ही नहीं रही। ओके, अबे कहाँ जा रही, हेलो, अबे किधर गई। ओके, मिल गई। एंड या थोड़ा आगे चल के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई ढंग की जगह हम लोगों को मिलती है या फिर नहीं मिलती। बट वेट, ओके, सो सामने की तरफ मेरे को एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि उस पर मैं अपना घर बना सकता हूँ। मेरे को ये वाली जगह बहुत सही लग रही है। ओके सो अभी मैं उस माउंटेन के टॉप पर हूँ एंड यहाँ से मेरे को पूरा व्यू मिल रहा है दूर दूर का। यहाँ पर मेरे को घर बनाना सही रहेगा एंड जो भी मैं फ्यूचर में फार्म्स वगैरह बनाऊंगा वो उस साइड बनाता रहूँगा, नीचे की साइड, या फिर ऊपर भी बहुत बड़ा स्पेस पड़ा है। सो या वो आगे दिखेंगे, अभी के लिए हम लोगों को अपने घर बनाना है। सो उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक बड़ा सा एरिया प्लेन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे पास जितना भी ये कूड़ा पड़ा है ना उसको मैं साफ़ कर देता हूँ। मैं क्या क्या कचरा उठा के घूम रहा हूँ अपने साथ।
ओके सो अभी इसको साफ़ करने के बाद वैसे जो मेरे बिल्ड के सामान है उसको ले लेता हूँ, एंड जो फूल पत्तियाँ वगैरह सब कुछ है उसको फेंक के, या फिर हम अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने बहुत बड़े एरिया की बात की थी, मैं बहुत बड़े एरिया को प्लान करूँगा, बट मैंने बस इतने से एरिया को प्लान किया है। फिर क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि मेरा घर भी इतना सही होने वाला है, सो या घर बनाते हैं जल्दी से। बिल्ड शुरू करने से पहले मैंने थोड़ा बहुत और सामान इकट्ठा किया, जैसे डोर्स वगैरह हो गया, एंड अभी ना हम लोग अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड ये थोड़ा मिडिवल टाइप, लाइक मैं इतना प्रो तो नहीं हूँ घर बनाने में कि मैं मिडिवल ही बना दूँ, बट मैं उस ऐसी थीम रखना चाहता हूँ। एंड मैं बिल्ड्स में इतना प्रो नहीं हूँ, सो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना तगड़ा भी बना पाऊंगा, बट जैसा भी बनेगा आपको मैं लास्ट में मिलूंगा। बिकॉज अब घर बनाते बनाते मैं आपसे क्या ही बातें करूंगा, आप लोग समझ सकते हो मेरे दुख को, इसीलिए तो बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। एंड अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है, एंड अभी मैं आपसे पूरा लास्ट में मिलने वाला हूँ। कंप्लीट, यस। सो फाइनली हम लोगों का घर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एंड बैकग्राउंड में आप लोग देख ही सकते हो कि ये कुछ इस टाइप का होने वाला है छोटा सा घर। एंड आपको ये कैसा लगा, एंड बिटवीन में आप लोगों को अंदर का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। बाहर से तो कुछ इसी टाइप का दिख रहा है, एंड अंदर से कुछ सिंपल ही है, मैंने इसको कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, बस यहाँ पर कुछ चेस्ट वगैरह एंड बेड वगैरह पड़े हैं, एंड या यहाँ पर मैंने कुछ फैंस वगैरह लगाए, एंड पीछे की साइड यहाँ पर थोड़ी बहुत और चेस्ट पड़ी है, एंड या यहाँ पर कोई भी सामान वगैरह रखने के लिए, बस सिंपल ही है। बिटवीन आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी, एंड ये वाला घर भी कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो #part2 लिख देना, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टिल देन गुड बाय।